बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेफ्ट राइट मिड टेक्स फंक्शन की बेसिक से लेकर एडवांस की कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और उनको यूज़ किस तरह से बेसिक से एडवांस कर सकते हैं ये आज देखेंगे किन किन क्राइटेरिया में और क्या क्या प्रॉब्लम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। देखिए बेसिक लेवल की अगर हम बात करें, राइट साइड यहाँ से और लेफ्ट साइड और मिड सेंटर। तो अब अगर हमें लेफ्ट राइट से स्ट्राइक करना है तो हम रिकॉर्ड इस तरह से इक्वल लगाएंगे। जिस सेल में हमें स्ट्राइक करना है राइट ब्रैकेट सेल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट सेल हो गया और फिर राइट से नंबर करेक्टर 1 2 3। अच्छा राइट यहाँ से आ गया 1, तो हमें से 1 करेक्टर चाहिए, तो ये 1 इसका सेपरेट हो जाएगा और ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह मिड होता है तो मिड में हम इक्वल मिड सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर। अब किस नंबर से स्टार्ट है तो 1 2 3, और 3 के बाद कितने 3 नहीं मिड मतलब यहाँ से होगा ना स्टार्ट 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 से स्टार्ट है, 6 से नहीं 7 से, 7 से स्टार्ट है और कितने नंबर है 7। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर कॉमा 7 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी, इंटर और ड्रैग कर लेंगे। और इसी तरह लेफ्ट फंक्शन जो होता है वो भी लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को ब्रैक करेगा। सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर कर दिया इसको क्लोज, इंटर। अच्छा लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर चाहिए तो हमने लिखा ही नहीं नंबर, कॉमा के बाद नंबर करेक्टर में टोटल 5 कोड करेक्टर है, तो इसको हमने 5 किया इंटर और ड्रैग। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ और फिर इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरे, उसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ डिलीट। अब ये हमने क्या किया, लेफ्ट से सिलेक्ट करा और स्पेसिफिक जो हमें चाहिए थे वो हमने काउंट किए, और ये जो माइनस का साइन है सेपरेशन के लिए जो डैश यूज़ किया है, यहाँ से पहले पहले करेक्टर लेफ्ट से हमें चाहिए थे तो वो हमने काउंट किया है। लेकिन फर्ज कर लें अगर हमारे पास नंबर ज़्यादा इंटर हुए हैं तो क्या हम इसी तरह हर सेल में काउंट करते रहेंगे, सेपरेट डेलीमीटर कहाँ पर है, हमारा डेलीमीटर यही कहलाता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेपरेशन के लिए डैश या अंडर एंड या अंडर स्कोर, तो उसमें फिर हम क्या यही देखेंगे कितने नंबर के बाद आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल सेम है क्योंकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड तो ये 5-5 नंबर के बाद है। लेकिन इसकी अगर हम अदर एग्जांपल की बात करें इसमें, तो इस तरह से हमने निकाल लिया रिकॉर्ड को। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें अगर हमारे पास ये एट द रेट आ रहा है, अब किसी के नाम हमें अलग निकाल लें तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तो पोजिशन सेम नहीं है। अब नाम किसी का 6 करेक्टर का है, किसी का 5 करेक्टर का है, और हम चाह रहे हैं ये जो एट द रेट है इससे पहले के सारे नाम हमें अलग मिल जाए, तो इसको किस तरह से हम अलग निकालेंगे। इस तरह की कोई भी कंडीशन आ सकती है, इसमें मल्टीपल नंबरों के बाद कोई डेलीमाइटर है और उसको देखते हुए उस डेलीमाइटर से पहले पहले के नंबर या टैक्स आपको अलग चाहिए, तो फिर उस कंडीशन के लिए जो ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे सर्च सेल के लिए, फाइन टैक्स क्या करना है। अच्छा तो फाइन टैक्स में आप इन्वर्टेड कॉमा और एट द रेट बताते कि ये फाइंड करना है, यानी जो भी डेली माइटर यूज हुआ हुआ है वो आप फाइन टैक्स में, वो डेली माइटर जो फाइंड करना है कॉमा उसके बाद विद इन टैक्स, तो सेल क्लिक कर लें। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा सेल में जिसमें ईमेल आईडी लिखी हुई है, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो अब ये उसकी पोजीशन बताएगा हर सेल में कि इस चीज़ की जो आप सर्च करा रहे हैं उसकी इस सेल में पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो कहीं टैक्स कम है और कहीं टैक्स ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हमें नाम को अलग निकालना है तो ये तो हमने कर लिया सर्च फंक्शन से काम। अब उसके बाद अगर हमें नाम को अलग निकालना है तो हम लेफ्ट को यूज़ करेंगे, और लेफ्ट को यूज़ करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे। अभी जो सिंपल हमने देखा था मैनुअल काउंट करके, अब उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इस सेल को हमने कहा टैक्स है, कॉमन नंबर करेक्टर क्या है 7, यानी टोटल हमें इतने करेक्टर चाहिए, लेकिन हमें 7 एट द रेट के साथ उठा के बताया गई, इंटर करेंगे
तो ये एट द रेट भी आ रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे और माइनस कर देंगे वन। अच्छा कंट्रोल जेड माइनस वन जो सर्च में यूज होगा, जो सर्च कर रहा है वहां से हम माइनस वन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएंगे। फॉर्मूला से लेफ्ट इसी तरह आएगा, सर्च में जो हमने इंटर किया था उसके ब्रैकेट के रखे माइनस वन होगा, तो एट द रेट जो सर्च पोजीशन बताएगा उससे माइनस वन के जो करेक्टर होंगे बचेंगे वो आ जाएंगे एट द रेट छोड़ के। तो टोटल सिक्स, ड्रैग कर लें इसको, और लेफ्ट फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो सेल में हमने कहा इतने करेक्टर को लेकर आ जाए लेफ्ट से, तो हमारे पास आराम से जो है डेली मैटर को टारगेट करते हुए स्ट्राइक होकर आ गया। रिकॉर्ड ड्रैग कर लें इसको, ये काम हमारा इस तरह हो गया माइनस वन। यही काम अब हमने इसमें लिख कर किया है, अलग से सोर्स लेफ्ट को क्लिक करके सेल बताया, तो इसी को अगर हम डायरेक्ट करें इस तरह कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ से सर्च से लेके माइनस वन तक कंट्रोल सी, और लेफ्ट फंक्शन में आके जहाँ बी टू सेल एड्रेस की लिख कर आए उसकी जगह हम कंट्रोल वी कर देंगे। अलग अलग लगाने का मकसद ये था कि समझ में आ जाए कौन सा फार्मूला क्या काम कर रहा है, अगर मैं डायरेक्ट लगाता तो शायद सही तरह से आपकी समझ में नहीं आता, तो मैनुअली फार्मूला लगाने से आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इंटर कर लें और ड्रैग कर लें। अब डायरेक्ट हमने जो अलग सर्च लगाया था वो लेफ्ट के साथ यूज़ करके जो हमें काम करना था इसको टारगेट करते हुए एट द रेट को वो हमने निकाल लिया, इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देते। तो ये तो हो गया लेफ्ट फंक्शन का काम। अब इसमें और मज़ीद काम क्या हो सकता है, ये तो मान लीजिए हमें लेफ्ट से एट द रेट देखते हुए टैक्स को अलग निकालना था, डिनोमिनेटर को कोई भी नंबर या टैक्स हो, तो हमने इजीली लेफ्ट और सर्च फंक्शन से ये काम कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें राइट से, अब जैसे हमारे पास आईडी सेम आ रही है, बाज टाइम आईडी सेम नहीं होती, कुछ कंपनी के नाम है, कुछ ईमेल्स के रिकॉर्ड है या कुछ और उनकी आइडेंटिफिकेशन है एट द रेट के बाद सेम नहीं, यानी जीमेल नहीं है, तो उसके कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे। अब जैसे मैं एक दो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैंने F2 किया, इसको मैंने चेंज कर दिया कंपनी, इस तरह की जो है यानी कंडीशन के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड में डाटा है, ठीक है जी, अलग अलग यानी है याहू डॉट, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे तो हर तरह की कंडीशन होती है, उसमें आपको काम करना है। अब राइट से अगर हम इसको कैलकुलेट करके निकालना चाह रहे हैं एट द रेट के बाद की वैल्यू को, तो फिर किस तरह से होगा, उसके लिए फिर हम इस तरह इसको अप्लाई करेंगे फाइंड फाइंड विद इन टैक्स। अब फाइंड क्या करना है, वही एट द रेट फाइंड कराए और फिर कॉमा विद इन टैक्स इसके अंदर फाइंड करें ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है, इंटर करके ड्रैग करें। अब राइट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो राइट के साथ यूज़ होता है लेन फंक्शन भी, जो उसकी टोटल वैल्यू काउंट करेगा सेल में, या वैल्यू या नंबर कैरेक्टर के कितने इस सेल में कैरेक्टर टाइप हुए हैं, तो उसको ये राइट के साथ लाजमी यूज़ होता है लेन फंक्शन। तो हमने इसको ड्रैग करा, ये बता रहा है इसको 16 है, इसमें 15 है, 18 है, जिसमें जितने करेक्टर होंगे वो उस हिसाब से लिखे हुए आ जाएंगे इसके अंदर। उसके साथ ही अगर हम आगे आए, अब यहाँ पर हम लगाएंगे राइट, तो पहले मैंने बेसिक्स राइट लेफ्ट कॉमिट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद एडवांस तरीके से उसको कैसे यूज़ में लेंगे ये मैं इसमें बता रहा हूँ। साथ साथ लाइक करते जाए और जब फर्स्ट देख रहे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब साथ साथ देखें हमारा काम कितना आसान होने वाला है। हम लगाएंगे सिंपल बस राइट, टैक्स वाला वही सेल होगा जिसमें हमारी ईमेल आईडी है, जिसमें से आपको टैक्स अलग निकालना है स्ट्राइक करके, कॉमा लगाएंगे, कहेगा नंबर करेक्टर, कॉमा लगाएंगे नंबर करेक्टर, तो नंबर करेक्टर में लेन को माइनस कर देंगे फाइन से, बस ये काम हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें। लाइन यानी जितने करेक्टर होंगे, और फाइंड क्या किया था हमने एट द रेट को फाइंड किया था, उतने माइनस करने के बाद जो बचेगा राइट से वो करेक्टर आपको मिल जाएंगे। आ गया gmail.com, जब ड्रैग करेंगे कंपनी याहू ये सब आने चाहिए हमारे पर एट द रेट को छोड़ के, ड्रैग कर लें उसको, ठीक है जी आ गया। अब ये एक और कंडीशन भी हो सकती है कि सिर्फ हमें डोमेन चाहिए अलग निकालना है, तो हम इसके लिए फिर हम इस तरह से लगा सकते हैं इसको, इक्वल फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहले तो हम एट द रेट फाइंड कर रहे हैं
और किसमें से फाइंड करना है ए टू, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट की लोस प्लस करेंगे वन, तो ये उसके साथ जो कि आईडी का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो बताएगा, और उसके साथ ही हम लगाएंगे फिर फाइंड। क्या फाइंड करना है इस सेल में, हमने कहा फाइंड टैक्स, वही फाइंड करें डॉट कॉम, फिर इनवर्टेड कॉमा, कौन सा सेल है ए टू ब्रैकेट की लोस। अच्छा मैंने कैपिटल कर लिया, वैसे शायद नहीं आ रहा, सी स्मॉल में लिखते हैं, आ गया, और ड्रैग कर लेंगे। अब इसको हम मिड से उठाएंगे सिर्फ डोमेन को, और यहाँ पे टैग सिलेक्ट करा हमने कॉमा, स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर यहाँ पर वो आ जाएगा जो हमने फाइन किया था एट द रेट को, प्लस वन किया था एक नंबर आगे से, और उसको हम कॉमा के बाद सिलेक्ट करेंगे नंबर करेक्टर टोटल। तो नंबर करेक्टर के लिए जो फाइन हमने डॉट कॉम किया था नंबर करेक्टर वो, और माइनस कर देंगे इसको इस स्टार्ट के उससे, तो जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट की लोस। जी मतलब हमें सिर्फ डोमेन चाहिए था अलग, वो भी हमारे पास स्ट्राइक होकर आ गया। ठीक है जी, तो ये तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स करें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेन फंक्शन फाइंड सर्च मेड लेफ्ट राइट, सिंपल बेसिक और एडवांस तरीके से इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी तरह आपके लाइक से समझ में आएगा वीडियो आपको कितनी पसंद आई है। तो आप शाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।